आपने एक कहावत सुनी होगी कि फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। महत्व गुणों का होता है, वरना कद में तो परछाई भी मनुष्य से बड़ी होती है। जो हम सभी की लाइफ के पहले सुपर हीरो हैं, उन पे ये लाइन बिल्कुल सटीक साबित होती है। वो हर एक गुण की पराकाष्ठा थे, बलवान कहें तो ऐसे बलशाली कि सामने हिमालय भी छोटा लगे, भक्त कहें तो श्री राम की ऐसी भक्ति कि अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि हर जन उनके नाम कर दिया, और साहसी कहें तो ऐसा साहस कि अकेले रावण की पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। लेकिन इतने गुणवान हनुमान जी में एक और गुण था, वो बेहद दयावान थे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण को खुद ही समुद्र में फेंक दिया। हनुमंत रामायण के नाम से जाने जाने वाली ये रामायण दुनिया की पहली रामायण थी। जी हाँ, ये वाल्मीकि जी की लिखी मोस्ट पॉपुलर रामायण से भी पहले लिखी गई थी। पर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने इतने कड़े परिश्रम से लिखी इस रामायण को खुद ही समुद्र में क्यों फेंक दिया, तो मैं सुनाता हूँ आपको इसके पीछे की कहानी। 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण को मारकर जब प्रभु श्री राम वापस अपने घर अयोध्या लौटे और वहां का राजपाट संभालने लगे, तो कुछ समय बाद हनुमान जी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए हिमालय पर जाने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु आप तो हमेशा मेरे हृदय में बसते हैं और मैं कितने वर्षों से आपके ही साथ रह रहा हूँ, पर अब जब आप अपनी अयोध्या में वापस लौट आए हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब मैं कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की आराधना करना चाहता हूँ। इस तरह भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर हिमालय की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी और इस दौरान उन्होंने साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सी शिला पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी भी प्रारंभ कर दी। हर समय श्री राम के साथ रहने के कारण ऐसा कोई भी पल, ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो हनुमान जी से छुपी हो। इसीलिए हनुमान जी की लिखी इस हनुमत रामायण में श्री राम के जीवन काल के हर एक पहलू की ऐसी व्याख्या थी जो किसी और के लिए करना असंभव था। कई वर्षों तक चली उनकी तपस्या के बाद एक दिन कैलाश पर्वत पर महर्षि वाल्मीकि जी आए। महर्षि वाल्मीकि जी उस समय के सबसे महान ऋषियों में से एक थे। उन्होंने भी कई वर्षों तक कड़ा परिश्रम करके एक रामायण लिखी थी और वे वहां अपनी लिखी उस रामायण को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने आए थे। पर वहां पहुंचकर जब उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान पर हनुमान जी की लिखी हुई हनुमत रामायण को देखा तो वो बहुत निराश हो गए। उन्हें दुखी देखकर हनुमान जी वहां पहुंचे और उन्होंने वाल्मीकि जी से उनके दुख का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, आपने जो इस शिला पर रामायण लिखी है मैंने उसको पढ़ा और मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने वर्षों तक मेहनत करके जो रामायण लिखी है वो आपकी लिखी इस रामायण के आगे कुछ भी नहीं है। आपकी लिखी रामायण को पढ़ने के बाद लोग मेरी लिखी रामायण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। महर्षि वाल्मीकि की ये बात सुनकर हनुमान जी ने उस बड़ी सी चट्टान को अपने एक कंधे में उठा लिया और महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि वो उनके दूसरे कंधे पर बैठ जाए। फिर हनुमान जी हिमालय से सीधे समुद्र की ओर चल दिए और समुद्र के बीच पहुंचकर उन्होंने वाल्मीकि जी के सामने ही अपनी लिखी रामायण वाली चट्टान को भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा, आप अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी लिखी इस रामायण को पढ़ा है,
मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद ये रामायण कभी कोई नहीं पढ़ सकेगा और इस विश्व में सिर्फ आपकी लिखी रामायण ही प्रचलित होगी। अब आप निराशा त्याग दीजिए। हनुमान जी के ये वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि के आंसू छलक गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप धन्य हैं, आप जैसा ज्ञानी और दयावान इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम आपके लिए क्या मायने रखते हैं और वो आपके हृदय के कितने करीब हैं, ये तो सब जानते हैं, पर फिर भी आपने श्री राम के जीवन की लीला और अपने वर्षों की मेहनत को मेरे लिए बिना सोचे एक क्षण में खत्म कर दिया। आप जैसा श्रेष्ठ दयावान और उदार कोई हो ही नहीं सकता। आपको मेरा शत शत नमन। प्रभु आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं दोबारा जन्म लेकर एक और रामायण लिखूंगा और तब ये रामायण मैं आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोविंद स्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसको आज भी करोड़ों भक्त हनुमान जी की पूजा में सबसे पहले पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज के समय में बलवान बनने के लिए ज्यादातर लोग हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, पर उनका ये पहलू दर्शाता है कि वो कितने शक्तिशाली होने पर भी कितने दयालु और नेक दिल थे, जिन्होंने अपना जीवन एक भक्त के तौर पर भगवान श्री राम के नाम कर दिया और अपनी इतनी मेहनत से लिखी विश्व की पहली रामायण को महर्षि वाल्मीकि की खुशी के लिए बिना दोबारा सोचे पल में त्याग दिया। हमें भी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में जितना ज्यादा प्रॉस्पेरस हों, अपने काम में भी हमें हमेशा उदार रहना चाहिए, अपने संगी साथियों को उनके काम का क्रेडिट मिले, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे आसपास के लोगों को मोटिवेट करना या किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो अच्छी सोसाइटी और एक बेहतर कल का निर्माण हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।